और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने बाकायदा ईडी से सवाल पूछा है। लिखित उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि आखिरकार ईडी उन्हें जब आरोपी वो नहीं है तो बार बार क्यों बुला रही है। आज फिर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा है और समन को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वो आगामी चुनाव में प्रचार ना कर सके। केजरीवाल दिल्ली से गोवा दौरे पर रवाना होंगे। शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 18, 19, 20 जनवरी का 3 दिवसीय गोवा दौरा है। नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है, तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का, ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको।